इंट्रोडक्शन टू दी अकाउंटिंग चैप्टर वन पार्ट थ्री। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था अकाउंटिंग के डेफिनेशन को, अकाउंटिंग होता क्या है। पार्ट टू में हमारा था अकाउंटिंग के डेफिनेशन में यूज डिफरेंट टर्म्स के बारे में, और आज का वीडियो हमारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल। सो हेलो एंड वेलकम टू मैनेजमेंट आईक्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सालों से हम लोग ये जान रहे हैं कि अकाउंटिंग इज डिफिनाइट प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटी, जो कि शुरू होता है विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने से हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है और जा करके वो ख़त्म होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और या फिर ये कह सकते हैं कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करके। सो एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट इंफॉर्मेशन। हमारे जितने भी स्टेप्स अकाउंटिंग के प्रोसेस में आते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इटसेल्फ। जो हमारा इंफॉर्मेशन जनरेट होता है वो एंड इटसेल्फ का नहीं है, उसके आगे फिर हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो तो बस एक बिगनिंग होता है। सो इट इज़ अ मीन टू फैसिलेट द डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट यूजर ग्रुप। सच इंफॉर्मेशन इनेबल्स द इंटरेस्टेड पार्टीज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू बी यूजफुल, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड इंश्योर दैट इट प्रोवाइड अस अ इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस हो रहा है वो एक इकोनॉमिक डिसीजन हमें प्रोवाइड कर सके, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। जब तक हमारा एक बुक्स ऑफ अकाउंट इकोनॉमिक डिसीजन प्रोवाइड करने की क्षमता नहीं रखता, तब तक वो बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग करेक्ट नहीं कह सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्व टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे हमारे ऐसे यूजर होते हैं जो रिले करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कि वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेट क्या कहता है और फिर उस अनुसार वो अपना काम करते हैं, करवाते हैं कंपनी से। सो सर्व द यूजर हु रिले ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत कोई मानते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर आ रहा है वो उनका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो लिखा हुआ है वो उसी को मान करके चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर प्रिडिक्शन। बहुत कोई प्रिडिक्शन के लिए भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, एज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो। मतलब कि लास्ट ईयर में उसको लॉस था, लास्ट ईयर में प्रॉफिट था, तो इस ईयर में उसे प्रॉफिट होएगा या लॉस होगा उस कंपनी को, इस कारण से भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करा जाता है। फोर्थ पॉइंट इज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब कि कंपनी अगर लास्ट ईयर में स्टॉक उसके पास बहुत ज़्यादा बच गया है तो इस ईयर में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंपनी थोड़ा कम करेगी। जस्ट लाइक फॉर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट एक्टिविटीज। अबाउट एक्टिविटीज इज लाइक अफेक्टिंग द सोसाइटीज। हमारा जो कंपनी है वो कैसा सोसाइटी में काम कर रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज हमारा कंपनी अपने साथ लेकर के चल रहा है, अबाउट दोज थिंग्स। जब हम अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अपने पब्लिक में या इशू करते हैं अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तब हम लोग को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि डैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वो इज़ रिलेवेंट, एडिक्वेट एंड रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग। जिस पर हम विश्वास कर सके वो सच हो और वो एक मतलब कंपाइल करके वो सारी चीज़ को अपने अंदर रख करके आपको वो शो कर रहा है। सो द अपेरेंटली डाइवर्जेंट नीड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हैव रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ सब डिसिप्लिन विद इन द अकाउंटिंग डिसिप्लिन, नेमली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन तीनों के बारे में हम लेटर ऑन डील करेंगे, पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। सो एज अ रिजल्ट द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बिकम सो वास्ट डैट कि न्यू एरियाज लाइक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हैव ऑल्सो गेन प्रोमिनेंट प्लेस इन इट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा आता है वो है रिलायबिलिटी, विच मीन्स
हमारे जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो हमारे इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड कर सके, वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से लिख सके कि उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अलावा उन्हें और कोई चीज़ के से जानकारी लेने की ज़रूरत ना पड़े. द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन वॉट द इन्फॉर्मेशन कन्वेज अबाउट द ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट हैव अकर्ड मेजर एंड डिस्प्लेड. एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमेशा मुक्त होना चाहिए एरर से, बायस से, अनफेथफुल रिप्रेजेंटेशन, विच मीन वॉट इट मीन्स टू रिप्रेजेंट. ओके, टू इंश्योर रिलायबिलिटी द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड मस्ट बी क्रेडिबल, वेरीफाइबल बाई इंडिपेंडेंट पार्टीज, यूज द सेम मेथड ऑफ मेजरिंग एंड बी न्यूट्रल एंड फेथफुल. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रेलिवेंस, विच इज टू बी रेलिवेंट. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास वो टाइम पर होना चाहिए. मस्ट हेल्प इन प्रोडक्शन एंड फीडबैक, और वो इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजन बाय यूजर को. मतलब हेल्पिंग देम फॉर प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट और करेक्टिंग देयर पास्ट इवोल्यूशन. इन दिस द थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, विच इज हमारा जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बन करके आया है उसे यूज़र उसी तरीके से ले जिस तरीके से हम लोगों ने बना करके दिया है. जस्ट लाइक मैं आपको अभी जो समझा रही हूँ वो आप उसी तरीके से समझे जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ. ओके, द क्वालिटीज डैट डिस्टिंग्यूज बिटवीन गुड एंड बैड कम्युनिकेशन इज इन अ मैसेज आर फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द मैसेज. आप गुड और बैड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना जान जाए. वो अगर वो गुड वे में बताया गया तो आप उसे गुड वे में ही ले, आदर अगर वो बैड वे में बताया गया तो आप बैड वे में ही ले. अवर नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज कंपेरेबिलिटी. हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है वो कंपेयर करने के लायक होना चाहिए. मतलब कि हमारा जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे एंटिटीज़ या फिर दूसरे ईयर से कंपेयर करने के लायक हो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं कर सकता है कि वो हमारा रिलायबिलिटी हो, रिलेवेंस हो या अंडरस्टैंडेबिलिटी केवल हो, उसमें कंपेरेबल भी होने की एक क्षमता होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. In this, the first one is maintenance of record of business transaction. मतलब कि हमारा जो अकाउंटिंग का अकाउंटिंग जैसे ही नाम आता है वैसे ही कहा जाता है कि नंबर्स का खेल, नंबर को मेजर करना या नंबर्स को रिकॉर्ड करना. सो अकाउंटिंग का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना. जो एकदम ब्रिलियंट से ब्रिलियंट आदमी भी को भी अगर आप देख ले तो उन्हें न्यूमरियस वेरियस टाइप ऑफ नंबर याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी या फिर उन्हें याद नहीं रहेगा. इस कारण से अकाउंटिंग इधर है. अकाउंटिंग में आप अपना जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो सब आप उसे एक रिकॉर्ड के रूप में रख करके उसे छोड़ सकते हैं ताकि आप उसे फ्यूचर में देख सको. इट्स कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हमारी कंपनी कभी प्रॉफिट सफ़र करता है, कभी लॉस सफ़र करता है, कभी न्यूट्रल रहता है. सो अकाउंटिंग का इधर ये फंक्शन हो जाता है कि वो हमारा हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए. एंड इन फ्यूचर अगर हमारा कंपनी कभी लॉस में जा रहा है तो उससे ये या फिर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग वो अपना डिग्री नाप सकते हैं, परसेंटेज नाप सकते हैं, कितना परसेंटेज के हिसाब से हमारा कंपनी इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है. थर्ड इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. अगर डिपिक्शन का सिंपल मीनिंग जाने तो उसका मतलब होता है इलुस्ट्रेशन. मतलब इलुस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना एक कंपनी का सबसे बड़ा काम होता है कि उनके कंपनी में क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्या ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. सो एक ओनर हमेशा चाहता है कि उसकी कंपनी का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रहे एट द एंड ऑफ द ईयर. कि अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसेट्स एंड क्लेम्स अगेंस्ट सच रिसोर्सेज विच इज लायबिलिटीज फैसिलेट द प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ अ स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट पोजिशन स्टेटमेंट. इन दिस द फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन
जैसे कि डेफिनेशन में भी आपको समझाया था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए बहुत सारे दावेदार होते हैं, जानने के लिए कि कंपनी किस पोजीशन पर है, कंपनी कब लॉस में जा रहा है, कब प्रॉफिट में जा रहा है, या कंपनी का अभी क्या स्टेट ऑफ और कंडीशन चल रहा है। तो इसको जानने के लिए बहुत सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र हैं। लाइक एक्सटर्नल में इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, यूनियन है, इंटरनल में हमारे यूनियन आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, फिर लेंडर्स आ जाते हैं एक्सटर्नल में, सब एंड क्रेडिटर, कस्टमर इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट भी हमारे इंटरेस्ट लेती है कंपनी का प्रोफाइल जानने में फॉर टैक्स पेमेंट, कंपटीटर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज इट्स रोल्स। हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है, हमारा जो अकाउंटिंग है उसका रोल क्या होता है। तो सालों से ये चला आ जा रहा है कि द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग। सालों से जो अकाउंटिंग का रोल है वो चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है विद द चेंज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग सोसाइटल डिपेंडेंस डिमांड। ये डिस्क्राइब करता है और एनालाइज करता है मास डाटा को इंटरप्राइज के थ्रू मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन, और रिड्यूस करता है दोज डाटा इंटू रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन टू ऑफ दैट इंटरप्राइज। हैंस इट इज रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो एक, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो एक अकाउंटिंग, एक बिजनेस का लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। ये एक और तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है विच इज़ द सर्विस एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि हेल्प करता है यूजर को इन वेरियस वेज। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट एंड इंटरप्राइज टू अ वाइड वेराइटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमारा होता है वो रिलेट करता है पास्ट ट्रांजेक्शन से, और ये होता है क्वांटिटेटिव एंड इन फाइनेंशियल इन नेचर, सो इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कुछ इसकी लिमिटेशन आ जाते हैं। दीज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल मेकिंग यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत सारा है, जैसे कि पहला लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अभी आपको बताया अकाउंटिंग को एक रूप से माना जाता है कि हाँ बिजनेस का ये लैंग्वेज है, क्योंकि ये बिजनेस के बारे में ए टू जेड चीज़ आपको बता रहा है कि बिजनेस कब प्रॉफिट में जा रहा है, कब लॉस में जा रहा है, बिजनेस कहाँ पर से उसको मुनाफा हो रहा है, कहाँ से घाटा हो रहा है, किस चीज़ से उसको प्रॉब्लम है, किस से उसको प्रॉफिट है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डाटा। हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो पास्ट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है, फ्यूचर को भी रिकॉर्ड करने के लिए तैयार होता है। सो हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है या अकाउंटिंग जो हमारा होता है बिजनेस के लिए हिस्टोरिकल डाटा रिकॉर्ड्स करता है, ये इसका सबसे अहम रोल होता है। अकाउंटिंग का अगर आप नाम जाने तो उसका हिस्टोरिकल डाटा, बुक्स ऑफ अकाउंट वो हिस्टोरिकल डाटा के भी नाम से जाना जाता है। थर्ड इज करेंट इकोनॉमिक रियलिटी। करेंट में जो सिनेरियो में अभी हमारा चल रहा है वो शो करने के लिए भी एक रूप से अकाउंटिंग को जाना जाता है। फोर्थ इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में होता है, वो आपको बताता है कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किधर लॉस हो रहा है, किधर प्रॉफिट हो रहा है। एंड फिफ्थ इज सर्विस टू यूज़र। हमारे यूज़र जो होते हैं, जो कस्टमर, लेंडर, बैंक, गवर्नमेंट, ये सारे को प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको कहीं पे डाउट है, कहीं पे क्वेरी है, तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।